कि ये बड़ा बहुत ही सुखद है मेरे लिए कि संग्राम जी आए, जिनको आज तक देखा है या फिर इनको पढ़ा है, आज तक इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, और उनके साथ आज अपना ये एग्जीबिशन गैलरी में शेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही सुखद घटना है। और जहाँ तक बात एग्जीबिशन की है, तो जैसे शीर्षक ही है विमर्श, तो ये मेरा सौभाग्य है कि इस तरह का माध्यम मेरे पास है, इतना सशक्त माध्यम मेरे पास है जिसमें आकार भी है और रंग भी है, जिसके जरिए मैं अपनी बातें डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा सकता हूं, मैं संवाद स्थापित कर सकता हूं एक एक व्यक्ति के साथ। तो इसीलिए मैंने हर पेंटिंग को अपना एक संवाद के रूप में यूज किया, इस्तेमाल किया है, एक बात कहने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि ये बात उन तक शायद उसी रूप में पहुंची है जिस रूप में मैं कह रहा हूँ, कहीं से भी विकृत होकर नहीं पहुंच रही होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और बहुत ही एहसानमंद हूँ संग्राम जी का। जी, आपने इतना ज़बरदस्त बनाया है कि क्या बताएं। मैं एक फिल्म कर रहा हूँ भी मालिक की दया से। आप, मैंने सोचा कि भैया कर लो, उसके लिए काफ़ी, एक फिल्म के लिए काफ़ी मेहनत की मैंने। मैं करने वाला था वो ओलंपिक के फर्स्ट मेडल की बायोग्राफी, जिसने जाधव साहब की, श्याम बेनेगल सर उसको बना रहे थे, तो किसी कारण से वो फिल्म थोड़ा सा रुक गई, जिसके लिए वेट कम किया मैंने 20 kg। अब दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, एक शो कर रहा हूँ अपना, होस्ट कर रहा हूँ, जो स्पोर्ट्स का शो है, हौसलों की उड़ान विद संग्राम सिंह, जिसमें स्पोर्ट्स के सब लीजेंडरी आते हैं तो अपनी कहानी बताते हैं, तो मैं उसका सूत्रधार हूँ। एक रेडियो पर एक सीरीज़ कर रहा हूँ, बी ए चैम्पियन विद संग्राम सिंह। तो मेरा भी यही रहता है कि भैया जिसको जिस हिसाब से मोटिवेट करो मोटिवेट कर दो। और एक खास बात बता रहा हूँ, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंसते नहीं ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। तो इसीलिए खुश रहो, पॉजिटिव रहो, और अच्छा इंसान मेरी नज़र में वो है जो अपने देश के लिए वफादार है। अगर आप अपने देश के लिए वफादार नहीं हैं, तो ना वफादार आप अपनी फैमिली के लिए, ना अपने धर्म के लिए, ना किसी चीज़ के लिए। तो सबसे पहले भैया देश के लिए वफादार हो, छोटी छोटी चीज़ें, कचरा है, बाकी चीज़ें हैं, उनसे ले कर बड़ी चीज़ों तक। तो मैं सोचता हूँ भले ही मेरा नुकसान कितना ही हो जाए, भैया देश का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एक टाइम था मेरे अकाउंट में ऐसे 800-900 रुपये होते थे, मुझे 1.5-2 crore का ऑफर आया कोल्ड ड्रिंक कंपनी का। मैंने उसको मना करने में सिर्फ 10 सेकंड लगाए, कि एक पुरानी कहावत है, अगर रात को सुकून से सोना ना, तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। फिर वो बोले कि भैया ये है, मेरे पास तो वो बड़े बड़े हैं और सुपरस्टार हैं, हु आर यू। मैंने कहा भैया सब अपने भाई हैं, मालिक की दया से दे दो उनको। फिर वो मेरे पास आया 6 महीने बाद, बोला भैया बाकी को बोलता हूँ तो 5-10 lakh रुपए लेते, लोग हाँ कर देते हैं। मैंने कहा भैया देखो बात ऐसी है कि जंगल की अर्थव्यवस्था कितनी ख़राब हो जाए, शेर घास नहीं खाता। हम काम करेंगे, अच्छा करेंगे, यूथ के लिए अच्छा करेंगे, चाहे फिल्म करें, टीवी करें, कुछ भी करें, वो चीज़ करेंगे जो मीनिंगफुल है। मीनिंगलेस करके फ़ायदा क्या है, 2 रोटी खानी है, सबको यहाँ से जाना है। मेक श्योर अगर आपको फिर भी जिंदा रहना, तो कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके बारे में लोग सुन सके, पढ़ सके, बता सके। जो एक निचोड़ है मेरी पेंटिंग का, या मेरा जो टॉपिक है विमर्श, उसका जो निचोड़ है, वो रिहा ने बड़ी खूबसूरती का हिसाब से कह दिया है कि फैक्ट है कि जब बात तो बात पॉजिटिव होनी चाहिए। विमर्श का मतलब ही होता है कि एक सकारात्मक बहस जी, एक बिल्कुल पॉजिटिव वे में जाके हम बातचीत करें, वहाँ से एक समाधान निकले, एक फल निकले। तो वो बड़ी प्यारी सी बात कर दी, बड़े प्यारे तरीके से कहा। उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, पर एक पेंटिंग और मुझे पसंद आई कि जिसमें होली बुक जो है, हर एक मज़हब की जो होली बुक्स हैं, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, और उन्होंने ये साबित कराया है कि कहीं कुछ भी नहीं लिखा है कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, कोई कुरान कोई गीता में नहीं लिखा है, सब में सिर्फ प्यार लिखा है, पॉजिटिव बातें लिखी हैं। पर इन्होंने उसको इसलिए खाली रखा है कि वो ऐसे ही आई थी खाली, बट हम इंसानों ने उसके अंदर सब कुछ डाल दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें डाल के उसको हमने बना दिया कि ये हमारा धर्म है, ये आपका धर्म है, आपको ऐसे फॉलो करना है, इसको ऐसे फॉलो करना है, आपको पूजा करनी है, आपको नमाज पढ़नी है, आपको बाइबल पढ़ना है। तो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने उस पेंटिंग को इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और एम्प्टी छोड़ा है कि हर चीज़ एम्प्टी है। अब डिपेंड है आपके ऊपर कि आप उस बुक में क्या लिखना चाहते हो और किस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो। सुमित सर, कहीं ना कहीं आपकी जो पेंटिंग है, कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाने का काम कर रही है, जैसे कि तुलसी वाला ले लीजिए, कई ऐसे टॉपिक है, तो इस तरह का थॉट कहाँ से आया कि इस तरह की पेंटिंग बनाई जाए? ठीक है, पहली बात कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मेरे पास सबसे सशक्त माध्यम है अपनी बात रखने की, और मैं उन चीज़ों को खारिज करता हूँ कि कला सिर्फ कला के लिए है, कला समाज के लिए है।
हमारे पास अगर इतना सशक्त माध्यम है तो उस माध्यम का हम इस्तेमाल करें अपनी बातें समाज तक पहुंचाने के लिए। बेशक वो बातें सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, मतलब हम कला से एक सुझाव दें, एक नया रास्ता दें, ये हमेशा से मेरी कवायद रही है, मेरी कोशिश रही है और इंशाल्लाह आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी। कितना मेहनत लगा ये पूरा पेंटिंग तैयार करने में? ईमानदारी से बताऊँ तो यार बनाने से अधिक मेहनत लगता है सोचने में। सही बात। क्योंकि बस सोच में अगर मुकम्मल चीज़ें हो जाती हैं तो बनने में बहुत वक्त नहीं लगता है। ये पूरी एग्जीबिशन जो है मेरी, ये मेरा 2 महीने का काम है, 2 से 2.5 महीने का। जिसको सोचने में ज़्यादा वक्त लगा, सोच पहले आ जाती है तब मैं एग्जीबिशन की तैयारी करता हूँ कि अब अगला किस टॉपिक पर काम करना है, वो टॉपिक पहले सोचता हूँ, उसकी पूरी तैयारी, उसका पूरा लेआउट, उसका एक एक स्केच ड्राइंग पहले कर लेता हूँ, फिर बनाने बैठता हूँ, तो फिर बनाने में वक्त नहीं लगता है। तो वो सोचने का एक अलग वो पीरियड होता है, एक अलग काल होता है, बनाने का अलग काल होता है। मैं कहूँगा कि देखिए मैंने काफ़ी, मैं एग्जीबिशन में गया हूँ पेंटिंग में और लगता है कि मैं आधा पेंटर बन गया हूँ। वैसे भी आर्टिस्ट भी एक पेंटर होता है, चाहे आप स्पोर्ट्स से हैं या आप सिनेमा से हैं या किसी फील्ड से हैं। तो मिश्रा साहब की खास बात क्या है कि इनकी पेंटिंग है ना यूनिक है, क्योंकि पेंटिंग के अंदर इन्होंने कुछ पेंटिंग बना रखी, जैसे किसी में मुख हैं, किसी में फेस हैं, किसी में इन्होंने दरवाज़ा बनाया है, किसी में हाथ बनाए हैं, मतलब इन्होंने पूरा वो दिखाया है, किसी में पेड़ उगाया है। तो ये देखो क्रिएटिवली तो मेरी समझ से बाहर है, अब मैं झूठ बोल दूँ कि ये सब है, बाकी यह है कि देख के लग रहा है कि मिश्रा साहब काफ़ी मेहनत करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, तब पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि पेंटिंग बनाना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे जैसे होते थे ना, वो ड्राइंग का एक पेपर आता था जिसमें एक ईंट के ऊपर हम वो संतरा बनाते थे या एक गिलास बनाते थे, उसमें से आधे बच्चे संतरा उठाए खा जाते, फिर वो झगड़ा रहता, वो कम नंबर आते थे, हमारे जैसे बच्चे खाली ईंट बनाते थे। तो मिश्रा साहब से पूछें कि ये पेंटिंग में इनका मतलब क्या महत्व, कुछ तो समझाए इन्होंने कि किसी